ज कम्पलीटली फॉर रिव्यू आई विल शेयर यूर आर्टवर्क एंड जो भी नेसेसरी फीडबैक होगा वो मैं दूंगा एंड आई नो माई इनकन्स्टेंसी इज नॉट एक्सक्यूजेबल बट फिर भी सॉरी यार लेट हो जाता है आई मीन कुछ कुछ ऐसे सचुएसन आ जाता है जहाँ पर चाह के भी वीडियो नहीं बना पाते हैं सो आई वु जस्ट से वॉच इट द एंड तो जो भी नेम आपके अकाउंट में मेंशन होगा मैं वही यूज़ करूँगा तो फर्स्ट आर्टवर्क है जस्ट आई ड्रॉ का इन्होंने पेंसिल से एक आर्टवर्क किया जो डेट्स वेरी गुड और एक चीज़ बेहतर हो सकता था नीचे का पोर्शन का और अगर ब्लेंड किया होता तो और बेहतर होता एंड नेक्स्ट है हसद आर्ट का इन्होंने पेंसिल स्क्राइबल आर्ट करने की कोशिश किया है बट आई डोंट थिंक सो उतना अच्छा से कर पाए हो बिकॉज स्क्रेबल तो किए हो बट जो सेडिंग है ना वो प्रॉपर नहीं उबर के आ रहा है बट नाइस्ट एंड नेक्स्ट आर्टवर्क है स्केच आर्टिस्ट का इसके आर्टवर्क में मुझे थोड़ा सा थीमेटिकल और सब्जेक्टिव लग रहा है एक सिपाही का सेट जो है एक राजा की तरह दिखाया गया है इसमें एक मैसेज टाइप का है लाइक सी ए बिगर यू इन योर सेल्फ बाय द वे आर्टवर्क काफी अच्छा है नेक्स्ट आर्टवर्क है इस आर्ट बाय अंकित एंड हमेशा की तरह ये आर्टवर्क भी बहुत ही अमेजिंग है मैं जितने भी आर्टवर्क आप सेंड करते हो रिव्यू के लिए काफ़ी अमेजिंग होता है ऑल द बेस्ट ऐसे ही आर्टवर्क करते रहो मुझे भी अच्छा लगता है रिव्यू करने में नेक्स्ट आर्टवर्क है अगेन स्केच आर्टिस्ट का तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि सेडिंग तो बहुत अच्छा है बट उससे भी ज़्यादा मैटर करने वाला चीज़ है कि आउटलाइन आउटलाइन और ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि आउटलाइन ही गड़बड़ रहेगा तो कितना भी अच्छा सेडिंग कर लो नहीं होने वाला कुछ भी बट uh, सेडिंग बहुत अच्छा है नेक्स्ट आर्टवर्क है इस डी मास्टर आर्ट का और ये इस आर्टवर्क में मुझे सेडिंग में प्रॉब्लम लगा कलर ग्रेड में थोड़ा uh, बहुत डलनेस फील हो रहा है बाकी इससे डिमोटिवेट नहीं होना मैं बस रियलिटी बताता हूँ ताकि इम्प्रूव करो एंड मुझे पता है कि इम्प्रूव कर लोगे सो नेक्स्ट आर्टवर्क है इस अभिजीत राउत आर्ट का और बस क्या ही बोलना बहुत अच्छा आर्टवर्क है सेडिंग uh, से लेकर एवरीथिंग इज सो नाइस गाइस ऑल द बेस्ट कीप डूइंग नेक्स्ट आर्टवर्क है आर्या भूआ आर्ट का और एज ऑलवेज ये भी आर्टवर्क आपका बहुत ही ज़बरदस्त है खासकर जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है नाखून हो गया एंड एवरी थिंग बैकग्राउंड के साथ मिक्सअप बहुत ही अमेजिंग है ऑल द बेस्ट कीक्स्ट आर्टवर्क है आर्टवर्क है इस डायमंड आर्ट का और इसमें मुझे बहुत सारे गड़बड़ लगा लेकिन बहुत सारी चीज़ सही भी है तो आइज़ के पास जो कलर की है वो बहुत ही अलग सा लाइट रेड टाइप का रेडिस फील हो रहा है तो हम ब्लैंड सही से नहीं हुआ नेक्स्ट आर्टवर्क है इस प्रीतम राज आर्ट्स का और बहुत ही सुंदर आर्टवर्क बनाया है पेंसिल से इनफैक्ट uh, मुझसे बहुत अच्छा से पेंसिल आर्ट को नहीं हो पाता है एंड नेक्स्ट आर्टवर्क है स्केचिंग विद पेंसिल तो गाइज इसमें ना कलरिंग अच्छे से नहीं हो पाया आउटलाइन भी बहुत ही टेढ़ा टेढ़ा सा लाइन है स्ट्रोक्स में बहुत ही ज़्यादा कमी है स्ट्रोक एक बहुत ही फ्लो में होना चाहिए जो कि नहीं हो पाया सही से बाय द वे ऑल द बेस्ट कीप डूइंग नेक्स्ट आर्टवर्क है गाइज रितु आर्ट का और इन्होंने पेंसिल से जो ड्राइंग बनाया है काफ़ी सही बनाया थोड़ा सा लाइट हो गया है फेस से लेके क्लॉथ वगैरह बट कोई नहीं बहुत अच्छा है ऑल द बेस्ट कीप डूइंग अगेन रितु आर्ट का है एज प्रीवियस वन ये भी बहुत अच्छा है कीप डूइंग और uh, कुछ कुछ जगह जो है मिस्टेक्स हुए जैसे वॉल में जो शेडो पड़ रहा है वो थोड़ा ब्लेंड होके होना चाहिए था और हैंड के साथ थोड़ा सा शेडो uh, थोड़ा डार्क होना चाहिए था ताकि थोड़ा सेपरेट लगे और थ्री में अच्छा लुक आए नेक्स्ट आर्टवर्क है साई कुमार आर्ट का और इन्होंने थोड़ा सा हाइपर रियलिस्टिक वर्क करने की कोशिश किया जो कि बहुत ही हद तक काफ़ी अच्छा किए हो एंड आउटलाइन भी बहुत सही है पानी का बूंद भी थोड़ा सा सही दिख रहा है थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है बट यू हैव ट्राइड वेरी वेल ऑल द बेस्ट नेक्स्ट आर्टवर्क है सोहन आर्ट क्लब का और ये काफ़ी सही आर्टवर्क बनाया हो सेडिंग में थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है आ, बाकी सेडिंग भी काफ़ी सही है एंड आउटलाइन भी सही है ऑल द बेस्ट गाइस बहुत अच्छा नेक्स्ट आर्टवर्क है स्पंदन शाह आर्ट और इसके आर्टवर्क में मुझे टी शर्ट में जो कलर किए हो सॉरी सेड किए हो उसमें थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है एंड हेयर्स का भी स्ट्रोक नहीं दिख रहा है बिल्कुल डार्क सा हो गया सो uh, स्ट्रोक so, थोड़ा ले आओ और टी शर्ट थोड़ा अच्छा कर लो बाकी सही है नेक्स्ट आर्टवर्क है परनीत दे आर्ट का सो so, इसमें वैसे तो मिस्टेक्स है बट कैप्स स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा और नेक थोड़ा सा ऑड हो जा रहा है नेक को और अच्छा से किया जा सकता है एंड बाकी पोस्ट करने का तरीका इज अमेजिंग ऑल द बेस्ट नेक्स्ट आर्टवर्क है सी का और ये आर्टवर्क काफी अमेजिंग है Uh, मतलब बहुत ही अच्छा है यार ऑल द बेस्ट कीप डूइंग नेक्स्ट वर्क है सो सुना नेक्स्ट वर्क है आयुष्मान रहा का मुझे रंगोली के बारे में उतना आइडिया नहीं है बट हाँ इतना पता है एक पैटर्न में होता तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता देखने में और ठीक है ऑल द बेस्ट कीप डूइंग और आइडियाज़ क्रिएट करते रहो ढूंढते रहो क्या अच्छा हो सकता है इससे बेटर नेक्स्ट वर्क है गुरनेस आर्ट का और ये आर्ट वर्क कलर पेंसिल से बनाया हुआ जो कि काफी सही लग रहा है इसको और इम्प्रूव किया जा सकता बट ऑल द बेस्ट कीप डूइंग एंड अब नेक्स्ट ड्राइंग है विकी शर्मा आर्ट का और uh, मैं कहूँगा कि, कि ड्राइंग के साथ साथ पूरे साइडिंग वगैरह भी बहुत ही अमेजिंग है एंड आई डोंट हैव मच थिंग टू से से आई वुड जस्ट ऑल द बेस्ट कीप डूइंग गाइस एंड एंड नेक्स्ट लास्ट को पेंटिंग है मनोजा आर्ट का और इन्हें थोड़ा बिगनर्स टाइप का ड्राॅइंग बनाया है और uh, मैं कहूँगा इसको और इम्प्रूव करो एंड किया जा सकता है ऑल द बेस्ट सो दैट इज ऑल एंड किसी के भी आर्टवर्क अगर छूट जाता है देन प्लीज डीएम कर देना मुझे इंस्टाग्राम पे या uh, फिर कमेंट भी कर सकते हो और uh, अब सभी के आर्टवर्क बहुत ही अमेजिंग था uh, जो भी ट्राई किया कीप डूइंग सभी के आर्टवर्क काफ़ी अच्छे थे एंड जिनका भी थोड़ा सा खराब है वो इम्प्रूव कर सकते हो सो आई वुड जस्ट से कीप डूइंग एंड स्टे वेल बाय